हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा। स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड से बनने वाला इंस्टेंट पिज्जा। ये कटोरी पिज्जा हम बनाएंगे कटोरी की हेल्प से। इसके लिए हमें चाहिए होगा ब्रेड, कुछ कटे हुए खीरे, टमाटर, कुछ स्टॉक, शिमला मिर्ची, प्याज, और साथ में हम लेंगे काली मिर्च बारीक पिसी हुई, नमक, टमाटो सॉस। टमाटो सॉस के साथ मैंने पिज्जा सॉस भी ऐड किया है, और साथ में मेयोनीज, और थोड़ा सा हम लेंगे चीज। बस यही सामान हमें चाहिए होगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में हम डालेंगे अपने खीरा, टमाटर, शिमला मिर्ची, बारीक कटा हुआ प्याज। ये सब हमें एक साथ मिक्स कर लेना है। इसी में हम डालेंगे अपनी पिसी हुई काली मिर्ची। ये थोड़ी सी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालते, बहुत कम इसमें डालते हैं। नमक स्वाद अनुसार। इसी में मिलाएंगे हम अपनी थोड़ी सी मेयोनीज। मेयोनीज आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके घर में नहीं खाते हैं या बच्चों को पसंद नहीं है तो। टमाटो सॉस और पिज्जा सॉस दोनों मैंने मिक्स कर लिया है। इन दोनों को मिक्स करके ही हम दोनों को साथ में मिलाकर फिर हम यूज करेंगे। इसको भी इसी में हम थोड़ा सा डालेंगे, इसको ज्यादा नहीं डालेंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी पिज्जा की टॉपिंग तैयार हो गई है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं लगता है, बहुत ही झटपट बनने वाला ये पिज्जा है ब्रेड से। बस इस तरह से हम इसको सारा मिक्स कर लेंगे। ये हमारी पिज्जा की टॉपिंग रेडी हो गई है। अब हम लेंगे अपनी ब्रेड्स। ब्रेड के ऊपर हम स्प्रेड करेंगे टमेटो केचप और जो पिज्जा सॉस हमने मिलाया है उसको। इस तरह से सभी ब्रेड पे इस तरह से हम टमेटो सॉस और पिज्जा सॉस मिक्स की हुई स्प्रेड करेंगे। इस तरह से हम ये चारों लगा लेंगे। अब हम लेंगे अपने नॉर्मल बाउल्स, जो हम घर में स्टील के बाउल्स यूज करते हैं, बस उसी तरह के हम चार बाउल लेंगे जितने भी आप बना रहे हैं उसको। इस पे हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे इस तरह से, ताकि जो हमारा पिज्जा बनेगा वो चिपकेगा नहीं, ब्रेड हमारा इससे चिपकेगा नहीं। बस इस तरह से इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे। अब हर बाउल में इस ब्रेड को हम इस तरह से रखेंगे। इस तरह से हमें सबको रख लेना है। इसके बाद जो हमने टॉपिंग बनाई थी अपनी, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें फिल कर देंगे। ये देखिए चारों अच्छे से फिल हो गए हैं। बस इसके बाद हम इसके ऊपर अपनी चीज स्प्रेड करेंगे। चीज आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे हम, तभी ये बहुत चीजी बनेगा। ये देखिए लग रहा है ना एकदम चीजी। अब हम इसको नॉर्मल तवे पे सेकेंगे। इसके लिए हमें कोई माइक्रोवेव की जरूरत नहीं है। आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, ओटीजी में भी कर सकते हैं। इसको हम नॉर्मल आज तवे पे ही बनाएंगे। चलिए तवा गर्म करते हैं और उसके ऊपर हम इसको बेक करते हैं आज। ये देखिए हमारा तवा गर्म हो गया है। नॉर्मल तवे पे इसको आज हम रखेंगे। बस इसको इसी तरह से हम तवे पे रखकर 5 से 7 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे और इसको ढक देंगे। बस इस तरीके से 5 से 7 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे, क्रिस्पी हो जाएगा और जो वेजिटेबल्स हमने ली थी, कैप्सिकम, ऑनियन, वो सब भी थोड़े से सिक जाएंगे। ये देखिए हमारे सारे पिज्जा बनकर तैयार है। चीज भी एकदम मेल्ट हो गई है। ये देखिए अच्छे से ये मेल्ट हो चुकी है। बस इसको हम इस स्टेज पे इसको निकाल लेंगे। देखिए सारे ये बन चुके हैं अपने। इसको बनने में 10 मिनट लग जाते हैं। लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे। ये देखिए ये सभी हमारे बनकर एकदम तैयार हैं। बिल्कुल पिज्जा जैसे लगते हैं, बस ये कटोरी शेप में है तो बच्चे इसे बहुत पसंद करके खाते हैं। ये देखिए सभी बनकर हमारे तैयार है। अब इसको बाउल से हम अनमोल्ड करेंगे। ये आसानी से निकल जाते हैं, इसमें कोई चिपकते नहीं है ये बिल्कुल भी। ये देखिए ये बिल्कुल कटोरी शेप में आते हैं, एकदम क्रिस्पी बने हैं ये। ये देखिए बस इसको सभी को हम इसी तरह से निकाल देंगे। फ्लेवर के लिए मैं इस पे थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल रही हूँ, नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। बस ये देखिए बिल्कुल पिज्जा के जैसे बने हैं। इसको हम चाहे तो ओटीजी में बना सकते हैं। 180 डिग्री सेल्सियस पे हम बनाएंगे इसको 10 मिनट के लिए, दोनों रॉड्स ऑन करके, ऊपर नीचे दोनों की। ये फटाफट बन जाएंगे, उसमें भी लगभग 10 मिनट का समय ही लगता है क्योंकि हम प्रीहीट नहीं करते हैं इसको। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर
पास वाले बेल आइकन को दबाकर और क्लिक करें। थैंक यू।